the chapter fraction. Okay, chapter 7 fraction, and about first exercise I think we have already discussed in the last videos, and today we will discuss about fraction, what are like fraction and unlike fraction. Okay students, this class I will teach in Hindi क्योंकि ये थोड़ा काफी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, हो सकता है. तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन तो होता है कैसे, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है एंड डिनोमिनेटर होता है. हम ऊपर वाला को सपोज दिस इज 2 बाय 5, 2 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 5 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, राइट. Suppose there are fractions 2 by 5, 4 by 5, 3 by 5, and 1 by 5, okay, etc. Fractions are given. In these fractions, ये fractions में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हर fraction में denominator equal है, right? Equal denominator है. What is the denominator? Is 5, right? So these are called the like fractions. Like fractions. Secondly, we will think about, suppose 3 by 7. Okay. 3 by 5. 3 by 4. 3 by 8, 3 by 10, etc. Okay, etc. इसमें देखो denominator अलग अलग है, right? अलग अलग denominator है. अगर denominator अलग अलग रहेगा, if the fractions having unequal denominator, then they are said to be unlike fractions. Unlike fractions. Ready? They are called to be unlike fractions. So like fraction or unlike fraction से बस इस यही बात है. आपको देखना है अगर denominator same है तो like fraction, अगर denominator अलग अलग है तो unlike fraction बनता है, right? एक और बात भी है students. यहाँ लेकिन आप लोग का course पर नहीं है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस चीज को देखो 2 by 5, ठीक है. 2 by 5 में देखो 2 by 5, इसमें देखो न्यूमरेटर जो है ये न्यूमरेटर है, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट. तो हम लोग लिख सकते हैं 2 by 2 इज लेस देन 5, ये कंडीशन है यहां पर, राइट. तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके. अगर ये फ्रैक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा, ओके, मैंने रिवर्स कर दिया, सपोज मान लो आपका बन गया 5 by 2. यहां पर देखिए 5 by 2 हो गया, ठीक है. 5 by 2 में क्या हुआ, 5 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया. तो न्यूमरेटर यहां पर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, राइट. तो न्यूमरेटर इज व्हाट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके. दिस इज कॉल्ड द improper fraction. Okay, this is called the improper fraction. Now this is all about like fraction, unlike fraction, proper fraction and improper fraction. Now we will move into how to compare the fractions. हम compare fractions को कैसे compare करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा fraction है, राइट. ये भी जानना जरूरी है, ओके.
जानना जरूरी है। तो एक सेकेंड मैं थोड़ा सा सो सी हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन। ओके वी हैव टेकन द बॉक्स, हम लोग कुछ बॉक्स लिए हैं, ये लाइक फ्रैक्शन के लिए मैंने लिया है और ये अनलाइक फ्रैक्शन के लिए मैंने लिया है, ठीक है। तो यहां पर देखो डेनोमिनेटर को देखो, सिक्स 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 सिक्स, राइट, डेनोमिनेटर हर जगह सिक्स है। लाइक फ्रैक्शन में मैं इसके बात कर रहा हूँ, ओके। इसमें क्या करते हैं हम लोग छह इक्वल डिवाइड कर देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। सिमिलरली वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। सिमिलरली वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। मैंने एक बार डिवाइड कर दिया, राइट। नाउ ये फ्रैक्शन कितना है, वन बाई सिक्स, तो न्यूमरेटर क्या है, वन, राइट। तो मैं वन को कलर करूंगा, वन को सेट कर देता हूं, मैंने वन को सेट कर दिया, ठीक है। अगेन इसमें कितना है, टू, मैंने टू को सेट कर दिया, ओके। नेक्स्ट थ्री, इसमें कितना है न्यूमरेटर, थ्री, मैंने थ्री को बॉक्स को सेट कर दूंगा। नेक्स्ट फाइव, सो दिस इज फोर, दिस मस्ट बी फोर, मैं फोर चार को सेट करूंगा अभी, ओके। अगेन इसमें फाइव पांच को सेट करूंगा, ओके। देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा दिखता है, राइट। नाउ इनमें से हम देखेंगे, ठीक है, इनमें से देखेंगे कि सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है। सबसे छोटा तो यही दिख रहा है, राइट। तो वन बाय सिक्स सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा ये दिखता है टू बाय सिक्स, सेकंड पर्सन, उससे ज्यादा ये दिखता है, उससे ज्यादा ये, उससे बड़ा ये दिखता है, राइट। सो फाइव बाय सिक्स विल बी द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, वन बाय सिक्स विल बी द smallest fraction, right? So we can write them in ascending order and descending order. Ascending order मतलब increasing order, descending order मतलब decreasing order, right? So ascending order बन जाएगा हम लोग का छोटा से बड़ा, that is 1 by 6, then 2 by 6, then 3 by 6, then 4 by 6, then 5 by 6, right? So, ये बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, ओके, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, ओके। और इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, दिस इज 5 बाय 6, 4 बाय 6, 3 बाय 6, 2 बाय 6, देन 1 बाय 6, ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। सिमिलरली हम अनलाइक फ्रैक्शन में भी यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में इससे हमें क्या क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि अगर लाइक फ्रैक्शन हो मतलब डेनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जो छोटा है सबसे सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर वो सबसे छोटा बन जाता है और सबसे बड़ा न्यूमरेटर वो सबसे बड़ा बन जाता है। तो यह चीज को दिमाग में रखना है कि किसका सेकंड पर्सन बड़ा आएगा और किसका सेकंड पर्सन छोटा आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आप कर सकते हो, बिल्कुल। नाउ वी विल डू दिस वन, अनलाइक फ्रैक्शन के केस में ये 8 है न्यूमरेटर, तो इसको हम 8 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। दिस इज 5 है, 1 2 सॉरी बड़ा होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 4 है, 1 2
थ्री, ये हो गया फोर, राइट, टू बाई फोर, इसमें कितना है, थ्री है डिनोमिनेटर, तो वन टू, ठीक है। अभी स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, चलो सेट करते हैं, यहाँ पर टू है डिनोमिनेटर, तो टू परसेंट को सेट कर लेते हैं हम, ओके। उसके बाद यहां पर भी टू है, टू परसेंट को सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर भी दो ठो, उसके बाद यहां पर भी दो ठो, अभी आप लोग देख सकते हैं, देखो 2/8 सबसे छोटा दिख रहा है कि नहीं, उससे बड़ा दिखता है 2/5, 2/5 से बड़ा कौन दिखता है 2/4, उससे बड़ा 100% कौन देता है 2/3, राइट। सो 2/3 बेसिकली इस फ्रैक्शन में बड़ा हो जाता है सबसे, सो 2/3 बिकम द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड 2/8 विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इसमें क्या लॉजिक है, हमें क्या देखना चाहिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो, गिवन ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन आर अनलाइक, देन दो डिनोमिनेटर सबसे अगर बड़ा रहेगा तो वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर सबसे छोटा रहेगा तो वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं आराम से, लिखिए असेंडिंग ऑर्डर ऊपर में 2/8, 2/5, देन 2/4, देन 2/3, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसको अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है 2/3, 2/4, 2/5, 2/8, ओके। ये बन गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, कंपेयरिंग विथ इक्वल न्यूमेरेटर्स हो गया, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 46 कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी है। और अभी हम लोग एक्सरसाइज 46 तो इसमें बेस्ट है, ओके एसडब्ल्यू। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडिशन के बारे में देखेंगे, ओके। लाइक फ्रैक्शन को कैसे एडिशन किया जाता है या फिर ऐड कर किया जाता है, ओके। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, हाउ टू ऐड, हाउ टू ऐड, बिल्कुल बहुत इजी है। आप फिगर बना के ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज 1/7 प्लस 2/7, ओके, तो कितना हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पर 1/7 और 2/7 दिया है, ठीक है, और यहां पर ये 2/8, 2/5, 2/4, 2/3, ओके, ऐसे जैसा था। यहां पर देखिए 1/7 प्लस 2/7, ठीक है, तो 7/7 डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 7, ठीक है, एलसीएम बन जाएगा 7 एंड न्यूमरेटर को ऐड कर दो ऊपर में, ठीक है, कितना हो गया, दिस इज 1 + 2 = 3 बाय 7, सो 3/7 और 3/7 विल बी द आंसर। सपोज अगेन 1/8 प्लस 2/8 प्लस 4/8, ओके, टेक एलसीएम, डिनोमिनेटर इज सेम, सो 8 विल बी द एलसीएम। नाउ एड ऑल द न्यूमरेटर्स, 1 + 2 + 4, ओके, दैट इक्वल्स व्हाट,
सेवन अपन एट विल बी द आंसर, चाहे जितने भी लाइक फ्रैक्शन हो, दो ठो हो, तीन ठो हो, चार ठो हो, ऊपर में न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और नीचे डेनोमिनेटर को एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका होमवर्क बनता है एक्सरसाइज 46 एंड 47, ओके। आज की क्लास में इतना डिस्कस करेंगे, कल अगला डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे कल, ओके। तब तक आप घर में बैठिए और होमवर्क करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए।